प्रोग्राम हमारा जो भी होगा इनको हम बता चुके हैं, हम नहीं चाहते। मैं भी सुनो, हम तो बता चुके हैं ना इनको सब कुछ, क्या सबको नहीं बताया हमने? मालूम है, हम कुल मिलाकर भाई एक बात चाहते हैं, 100 बात की बात। देखो हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत पीड़ित हैं, हमारे दिल में कष्ट है। अब हमें अगर कष्ट है तो हम वीर भाई से कोई भी डिबेट नहीं करना चाहते। अगर आप लोग सपोर्ट करें तो विवेक यादव यहाँ खड़ा रहे, अगर आप लोग सपोर्ट ना करें तो मैं यहाँ से एक एक रुपए का हिसाब देके आपको जा सकता हूँ, एक एक रुपए का हिसाब नोट। मैं ऐसा नहीं हूँ 74,000 पूरा कराया हिसाब ना दो, एक एक रुपए का हिसाब देंगे। आपने 1,10,000 कुछ रुपए डाला था, अगर मैं हो सकता है कि 2-4-5 हज़ार इधर उधर खर्च किया होगा, मैं अपने घर से भैंस का दूध बेच के दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको पैसा चुका दूंगा। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं 100 बात की बात कर रहा हूँ, मैं वीर भाई से कोई बात नहीं कर रहा। ये संगठन मेरा है, अगर खेत मेरा होगा तो जो मैं चाहूंगा, लेकिन अगर सुन भाई पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे, बात छोड़ो यार, आपको पता नहीं हम क्या करने वाले हैं गोविंद भाई। भैया पूछो, बता रहा हूँ तुम लोग कह रहे हो तो ठीक है, आज तुम लोग बोले तो बताए दे रहे हैं यहाँ से, हम इनकी आपको बताए थे कागज सब दे, आप लोग बोले विजय गौतम जी के यहाँ चलो, हमें विजय गौतम से थोड़ा हमारा भी नहीं चाहते कि हम जाएँ, ठीक, हमारा जो है इनकी तो इनकी भी नहीं थी, उन्होंने बताया। हमारी इच्छा ये थी कि जीके सिंह, मेरा सबसे पहला उद्देश्य ये था कि यार पैसा जो लग जाए चाहे जितना लग जाए, आज का भी चाचा जी यहीं थे, इतने को सामने दिए हैं, मुझे जब वो बेहतर समझते हैं आप लोग भी समझते होंगे। मेरा प्लान ये था पैसा चाहे जो लग जाए आप, लेकिन आपका केस जल्दी जीत जाए। तो मैं यही चाहती कि मैं जीके सिंह को कर लूँ और आप लोग सपोर्ट अच्छा करते हैं, मैं सपा कार्यालय से कुछ सपोर्ट ले लूँगा या वकील किसी तरीके से। मुझे पूर्ण विश्वास था, मैं यार सम्मान कमाया हूँ यार, पैसा नहीं कमा पाया, मुझे पूर्ण विश्वास था कि वहाँ से मुझे मदद मिल जाएगी और 2 से 3 महीने में मैं आपको जिता सकूँ, ये मेरा डिसीजन है। और मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ से सारे कागज लेके, मैं अखिलेश जी ने आप सबके सामने वादा किया था कि बड़े से बड़ा वकील कर लेना, जो तुमसे वो कर देना बाकी हम मदद कर देंगे, यही बात बोली थी। फिर कह रहा हूँ आप लोग ईमानदारी बता देना, विवेक यादव ही था जो आपको पूर्व मुख्यमंत्री का इतने सम्मान से खाना पीना खिलाया और मदद की, 2.5 घंटा आपको समय दिए आपके के लिए, क्या मैं यार उनकी नजरों में इतना हाईलाइट होने के बाद क्या मैं आपका पैसा मार के भगूंगा? बताइए, नहीं नहीं बताइए कितना आप लोग यार 500 बंदे आओ कितना मुझे मिल जाएगा? ये मेरा प्लान, मैं आपके कागज लेके यहाँ से सपा कार्यालय जाऊँगे, पूरा चैलेंज करता हूँ, वहाँ से आपकी फाइलें तैयार करवाऊँगा, सारा जो प्रोसेस हो वहाँ से पूरा करूँगा, और उसके बाद जो वकील बड़े से बड़ा वकील होगा उसको हायर करूँगा, जो आप मदद कर देंगे। देखिए लेकिन आपकी भी ईमानदारी है, अगर विवेक आज तक आपका सपोर्ट किया है।